तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फाइल पाथ के बारे में। तो इससे पहले भी हम लोगों ने फाइल पाथ के बारे में पढ़ा था, लिंक वाला जो चैप्टर था ये HTML लिंक्स, इसमें हम लोगों ने देखा था कि हाइपरलिंक्स, जो हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट होता है HREF, इसमें हम लोगों ने URL का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर URL मतलब एक एड्रेस होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखा था और SRC एट्रीब्यूट को भी देखा था। और ख़ास तौर से इसमें जो हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी वो ये था कि हम लोगों ने एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल की बात की थी। तो जो यहाँ पर बताया था जस्ट यही हमें वहाँ भी देखने को मिलता है। तो जो एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है वो आपको कुछ HTTP WWW इस टाइप में देखने को मिलता है, वहीं जो रिलेटिव यूआरएल होता है वो बिना HTTP और WWW के देखने को आपको मिलता है। रिलेटिव मतलब जो रिलेटिव होता है पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से, और एब्सोल्यूट मतलब जो रियल एड्रेस होता है, ट्रू एड्रेस जो होता है, ठीक। यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी जो हम लोग फाइल पाथ में पढ़ रहे हैं। ये फाइल पाथ है, तो फाइल पाथ में भी ये बता रहा है कि किसी फाइल को आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको पिक्चर इमेज लगानी है, तो इसको कैसे लगाते हैं, इमेज एट्रीब्यूट का, इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं और SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। SRC एट्रीब्यूट में जो वैल्यू आप देते हैं वो इमेज का एड्रेस देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग लिखा हुआ, तो इनका सब मतलब क्या है? तो इनका जो मतलब होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि ये पहला है picture.jpg, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो फाइल है, दिस इज़ लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करेंट पेज। जो करेंट पेज है उस करेंट पेज में ये फाइल मौजूद है, ठीक है। इसलिए आप सिंपली इस इमेज का नाम दे देते हैं और इतने में आपका काम चल जाता है, यानी कि ये इमेज आपके HTML डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाती है। वहीं अगर करेंट पेज में कोई फोल्डर है, जैसे इमेज नाम का मान लीजिए कोई फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये इमेज पड़ी हुई है और उस इमेज तक आपको पहुँचना है, मतलब उस इमेज को आपके वेब पेज पर लगाना है, तो आपको उस फोल्डर का नाम सहित उस इमेज को देना पड़ेगा, उस इमेज का नाम देना पड़ेगा। यानी कि इस इमेज तक पहुंचने के लिए, इस picture.jpg तक पहुंचने के लिए आपको ये कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये आपके सब रिलेटिव एड्रेस हैं, ठीक। ये सब रिलेटिव एड्रेस हैं तो HTML डॉक्यूमेंट से। तो इन सब में हम लोग फाइल पाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर वेब पेज को ऐड करना तो उसका भी फाइल पाथ आपको देना पड़ेगा, इमेज अगर ऐड करना तो उसका भी फाइल पाथ आपको देना पड़ेगा, स्टाइल शीट ऐड करते हैं तो उसका भी फाइल पाथ आपको देना पड़ेगा, इस तरीके से होता है। उसके बाद एब्सोल्यूट फाइल पाथ, यही है जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, यही इंपॉर्टेंट भी है। एब्सोल्यूट फाइल पाथ का मतलब होता है रियल एड्रेस, यानी ट्रू एड्रेस, यानी कोई फाइल पड़ी हुई है किसी इंटरनेट पर तो उसका रियल एड्रेस क्या है। मान लीजिए picture.jpg है, ये picture.jpg कहीं पर पड़ी हुई है, ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट के इमेज फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है picture.jpg, और इसे हमें इस्तेमाल करना है, तो इसका एक कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस होगा जो कि HTTP और WWW से शुरू होगा, ठीक है। तो यही कंप्लीट एड्रेस को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट फाइल पाथ, एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक। तो SRC में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, SRC एट्रीब्यूट में जो हम लोगों ने एड्रेस दिया है वो एब्सोल्यूट हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है। तो रिलेटिव तो अभी आपने एग्जांपल देखा, ये सब रिलेटिव वाले एग्जांपल थे, ऊपर वाले जो हैं ये सब रिलेटिव वाले थे, और एब्सोल्यूट मतलब कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, HTTP WWW इस टाइप में, ठीक। ये इंटरनेट का एड्रेस होता है, इसी को एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं। और रिलेटिव फाइल पाथ, रिलेटिव जो एड्रेस होता है फाइल पाथ होता है क्या, ये होता है मतलब एक आपके सिस्टम में ही फाइल मौजूद है और आप उसी फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जिस वेबसाइट को आपने बनाया है उसी वेबसाइट के वेब पेज पर ये फाइल मौजूद है, तो आप उसी वेबसाइट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर आप रिलेटिव फाइल पाथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई HTTP WWW नहीं लगाया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये एक रिलेटिव पाथ हो गया इस पर्टिकुलर इमेज का। और यहाँ पर जो ये सिंबल आपको दिख रहा है ये रूट डायरेक्टरी यानी रूट फोल्डर की बात करता है, मतलब ये एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पर वेबसाइट से संबंधित सारा आपका फोल्डर और फाइल्स मौजूद होती हैं, तो उसी रूट फोल्डर के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आपका जो रूट है, रूट फोल्डर है, उसके अंदर आपका इमेज फोल्डर, इमेज के अंदर ये वाली फाइल, तो इसलिए हम लोग ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक, अगर जहाँ ज़रूरत पड़ती है। ये एक रिलेटिव एड्रेस है, रिलेटिव पाथ है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये रिलेटिव एड्रेस है, इमेज नाम के फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, और ये इमेज जो फोल्डर है ये कहाँ पर मौजूद है, ये आपका जो करेंट वेब पेज है, यानी कि करेंट आपका जो फोल्डर है जहाँ पर इस कोड की फाइल मौजूद है, उसी कोड की
जो फाइल है उसके बगल में जो फोल्डर है इमेजेस, उसी फोल्डर के अंदर आपकी ये इमेज पड़ी हुई है। इसलिए जब आप इस फाइल को ऐड कर रहे हैं तो इस इमेजेस नाम का जो फोल्डर है उसका नाम सहित आप इस इमेज का एड्रेस दे रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव एड्रेस हो गया, रिलेटिव फाइल पाथ हो गया। और इसका ये मतलब होता है कि एक स्टेप अप, यानी कि एक फोल्डर और उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर इमेजेस और उसके अंदर ये इमेज फाइल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइल्स इन द इमेजेस फोल्डर लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करेंट फोल्डर, जो करेंट फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर इमेजेस फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर आपकी ये इमेज फाइल है, कुछ इस तरीके से ये बोल रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस इसमें बता रहा है कि आपको जो रिलेटिव फाइल पाथ है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जो एब्सोल्यूट एड्रेस है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसका चाहें तो आप एग्जांपल एक देख सकते हैं, एब्सोल्यूट का ही देख लेते हैं। और सपोज हम लोग कोई इमेज फाइल ले लेते हैं, मान लीजिए पिक्साबे की एक फाइल ले लें, फ्री इमेजेस, और यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं। मान लीजिए हम लोग इस इमेज को लेते हैं, ठीक, इसको कॉपी करते हैं इमेज एड्रेस, ठीक, कॉपी इमेज एड्रेस किया और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अभी तो आपको ये वाली फाइल दिख रही है, थोड़ी देर में ये हट जाएगी, और यहाँ पे इसको रख देते हैं, ठीक। और इसको जब हम लोग रन करेंगे तो देखेंगे आप वही फाइल आपके सामने आ गई, ठीक। तो ये होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक, क्योंकि ये जो फाइल नेम है, यहाँ से जो ये फाइल नेम शुरू है यहाँ तक, ये फाइल नेम इस वेबसाइट के फ़ोटो नाम के जो फोल्डर है उसके अंदर 203 नाम का फोल्डर है, ठीक है। तो ये इन फोल्डर के अंदर मौजूद है, ये काफ़ी अंदर फाइल है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, एब्सोल्यूट फाइल पाथ,